हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रताज टेस्टी किचन। मेरा नाम नम्रता है। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हो आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है अष्टमी और आज है कन्या पूजन। आज मैं माता जी के लिए प्रसाद बनाऊंगी, चना हलवा पूरी और गुड़ के चावल। जयकारा शेरा वनिता बोल साचे दरबार की जय। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं भोग की थाली। तो सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे 750 ग्राम्स, ये मैंने रात को ही भिगाए हुए काले चने हैं, तो ये कुकर में डाला है मैंने। और इसमें डाला है मैंने 1.5 ग्लास पानी। अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, और डालेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा। अब कुकर का ढक्कन लगा देना है और 20 मिनट्स के लिए इसे धीमी आंच पे रखना है। अब हम पूरी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम एक परात में लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा, 2 नमक, और डालेंगे थोड़ी अजवाइन, और फिर डालेंगे 1 चम्मच तेल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक अच्छा पूरी का एक टाइट डो बना लेना है। देखो फ्रेंड्स, ये इस तरह। और अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। और अब कढ़ाई में हम लेंगे 1 कटोरी रवा, उसे थोड़ा सा भून लेंगे। और डालेंगे इसमें देसी घी, ये 1/2 कटोरी से थोड़ा कम लिया है मैंने। और इसे अच्छा एक हमें सुनहरा कलर आने तक भूनना है। देखो फ्रेंड्स, इसका कलर थोड़ा सा सुनहरा हो रहा है। अब डालेंगे इसमें काजू और बादाम, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर, और डालेंगे 1/2 कटोरी शक्कर। सबको मिक्स कर लेना है। हम ये हलवा बना रहे हैं फ्रेंड्स। अब डालेंगे इसमें 2 कटोरी पानी। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखो फ्रेंड्स, ये गाढ़ा हो गया है, ये हलवा बन रहा है। अब हमारा हलवा भी रेडी है फ्रेंड्स। अब हम लेंगे आटा और इसके छोटे छोटे हमें पेड़े बनाने हैं।
और हमें इसे एक पूरी का शेप देना है। ऐसे पूरियां बेल लेनी है। और गरम तेल में पूरी फ्राई कर लेनी है। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी पूरी फूल गई है हमारी। और इसी तरह से हम सब पूरियां तल लेंगे। और इन सबको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे चने भी बॉईल हो गए हैं। देखो कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब बनाते हैं चने का मसाला। अब कढ़ाई में लेंगे हम 2 चम्मच तेल और डालेंगे उसमें थोड़ा सा जीरा, फिर डालेंगे थोड़ी सी हींग, डालेंगे इसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर के और थोड़ी सी हल्दी, और डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। डालेंगे थोड़ा सा नमक, हमने नमक बॉईल करते टाइम भी डाला है, तो आप नमक आपके स्वाद के अनुसार डालें। और सबको अब हमें मिक्स कर लेना है। अब डालेंगे इसमें बॉईल किए हुए काले चने, और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे चने भी रेडी हो गए हैं। और इसे हम एक हॉट पॉट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ये गुड़ के चावल भी बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेरी भोग की थाली तैयार हो गई है। अब मैं माता जी को भोग लगाने जाने वाली हूँ। तो ये सबसे पहली मेरी पहली कंजक आई है घर पे। देखो कैसे अच्छे से मास्क लगा कर आई है ये देवी माता। तो अब मैं इस देवी माता की पूजा करूंगी। माता के मंदिर आई हूँ, तो मैं माता को चुन्नी चढ़ाने वाली हूँ और ये हाथ फूल भी चढ़ाने वाली हूँ। तो चलो करते हैं माता जी के दर्शन।
फ्रेंड्स मेरी अष्टमी की पूजा हो गई है और मैंने कंजकाओं को भी प्रसाद खिला दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर कमेंट और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय सी यू सून।